ईरान को रातों रात तबाह करना चाहता था इजराइल। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से मिट जाता ईरान का नामो निशान। फिर नेतन्याहू को आया एक फोन और बदल गया हमले का प्लान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की और हमला कर दिया, साथ ही तैयार किया ईरान के खात्मे का पूरा प्लान। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तो तबाह करने के लिए मिसाइल अटैक किया था। हालांकि अब सामने आया है कि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में था। वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। इसके लिए तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। इजराइल रातों रात तेहरान समेत ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता था। इतने बड़े हमले की योजना थी कि ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान। अब इजरायली अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को तगड़ी चोट देना चाहते थे, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू को एक फोन आया और फिर हमले को लेकर लिखी गई पूरी स्क्रिप्ट बदल दी गई। 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले के प्लान में तेहरान समेत कई मिलिट्री बेस पर हमला शामिल था। लेकिन इससे पहले कि हमला होता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी। नेतन्याहू ने जब जो बाइडेन को अपने प्लान की जानकारी दी तो बाइडेन समझ गए थे कि ईरान इतने बड़े हमले से कई सालों तक नहीं उबर पाएगा, जिसके बाद जो बाइडेन ने नेतन्याहू को ईरान पर इतना बड़ा हमला ना करने के लिए मना किया। और जो बाइडेन के समझाने के बाद इजराइल ने हमले का प्लान और जगह बदल दी। गहन राजनयिक दबाव और दुनिया को एक और महायुद्ध से रोकने के लिए इजराइल ने आखिर फैसला किया कि वो कम शक्तिशाली हमला करेगा, जिसके बाद इजराइल ने 18 और 19 अप्रैल की दरमियानी रात ईरान पर हमले को अंजाम दिया। इजराइल ने ईरान पर बैक टू बैक कई मिसाइल्स दागी। इजराइल की एक मिसाइल ने ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर उसे डैमेज कर दिया, जिसके बाद बताया गया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था। लेकिन अब अमेरिका ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। इस हमले की इजराइल ने ना ही आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली है और ना ही ईरान ने खुद पर हमला होने की बात कबूली है। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ होता तो उसकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात कंफर्म हुई है कि ईरान पर हमला हुआ था। इस तनाव की मुख्य वजह है, पहले इजराइल ने सीरिया में एक ईरानी सैन्य कमांडर को मार डाला था। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। और अब भी दोनों देशों के बीच महायुद्ध की आशंका बनी हुई है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, रेड सी में हूतियों के हमले ने पहले से महंगाई बढ़ा रखी थी। अब इजराइल ईरान के झगड़े के बाद से सोना और तेल के दाम और आसमान छूने लगे हैं। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।